हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ आर्यन शुक्ला, वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार, पिछले एपिसोड में हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा हुआ था कि हम केमिकल्स को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, इस बारे में पढ़ा था। पिछले एपिसोड में हमने इंडिकेटर्स, दो टाइप्स के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा हुआ था, एसिड बेस इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर कलर चेंज के थ्रू बता रहे थे कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, और जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है वो स्मेल के थ्रू बता रहे थे कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। एसिड जो भी है भाई, पूरी बुक में एसिड, ठीक है, एसिड वाला पूरा पार्ट आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो चलो यार, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 8 में पढ़ा हुआ था हमने एसिड और बेसिस के बारे में। एसिड जैसे कि सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड होती है, ठीक है, ये एक एसिड है। लेमन में एसिड होती है भाई, जो सिट्रस फ्रूट में है। कर्ड में एसिड होती है लैक्टिक एसिड, है ना। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, है ना। और जो आंट की स्टिंग होती है ना, जब चींटी काटती है, ठीक है, तो जो चींटी ने इंजेक्ट किया हुआ है हमारी बॉडी में वो भी एसिड है, और वो है फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड, ठीक है। तो मतलब वो एसिड है फॉर्मिक एसिड जो कि आंट स्टिंग हमारी स्किन में डालती है। तो एक्चुअली एसिड दो टाइप्स की होती है, एक होती है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरी होती है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो सारी एसिड जो कि हमें नेचुरल चीजों से प्राप्त हुई हो, जो हमें बायोटिक चीजों से प्राप्त हुई हो, तो वो सारी हो गई नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताई दिए थे, आंट स्टिंग में से जो एसिड निकलती है फॉर्मिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड हो गई, है ना। विनेगर, विनेगर में जो एसिटिक एसिड होती है, है ना, वो भी ऑर्गेनिक एसिड है, है ना। तो अब मिनरल एसिड, मिनरल एसिड वो सारी एसिड जो कि आर्टिफिशियली बनाई गई हो लैब्स में, ठीक है, आर्टिफिशियली बनाई गई हो वो सारी एसिड हो जाएंगी मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड की एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये दो टाइप्स की एसिड होती है, मिनरल और गैसिक। अमेजिंग। तो अब आगे बढ़ जाए, आगे हम पढ़ेंगे भाई एसिड का जो मतलब एसिड होती क्या है एक्चुअली में, एसिड व्हाट आर एसिड। तो देखो भाई, एसिड वो सारी चीज है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन्स प्रोड्यूस करें, या फिर बेसिकली बोलें तो एसिड वो सारी चीजें जो कि पानी में डिसोसिएट हो जाएं, आयोनाइज हो जाएं और हाइड्रोजन एक्वस आयन दें, हाइड्रोजन एक्वस आयन प्रोड्यूस करें, वो भी एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। बिना एक्वस सॉल्यूशन के किसी भी एसिड, जो भी अगर कोई भी केमिकल एसिड है, तो वो बिना एक्वस सॉल्यूशन के अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं बताएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एसिड हर वो केमिकल जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोनियम आयन में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो सारे केमिकल्स जो कि हाइड्रोनियम आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं वो हो जाएंगे एसिड्स, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन क्यों बोल रहा हूं मैं, अब वो जानते हैं। देखो भाई, एसिड का हम एग्जांपल लेके चलते हैं HCl। अगर HCl को वाटर में डाला जाए, ठीक है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना जाए, एक्वस सॉल्यूशन भाई किसी भी केमिकल का वाटर में सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन, ओके, ग्रेट। तो एसिड ली थी हमने HCl, तो जब HCl आयोनाइज होगी वाटर में तो वो H+ AQ, ठीक है। क्यों AQ मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। H+ आयन्स आर वेरी अनस्टेबल, वो अनस्टेबल है भाई, H+ और H पॉजिटिव आयन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। तो वो क्या करता है, जो H2O है वाटर का, ठीक है, वाटर जो हाइड्रोजन ऑक्साइड है उसके साथ कंबाइन हो जाता है,
उसके जा उसके साथ कंबाइन हो जाता है और H3O प्लस फॉर्म कर लेता है, और ये H3O प्लस जो है ना भाई वो है हाइड्रोनियम आयन, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला जो हाइड्रोनियम आयन में डिसोसिएट हो जाए, क्योंकि भाई हाइड्रोजन आयन जैसे ही डिसोसिएट होगा ना भाई वो वाटर में कंबाइन हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेगा। ग्रेट, तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस प्रोड्यूस होगा, अगर हम H प्लस AQO लिखेंगे तो वो भी सही है, H प्लस आयन सॉरी H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव आयन, प्लस जो Cl था वो Cl माइनस में डिसोसिएट, यानी HCl टूट गया H प्लस में Cl माइनस में। अब यहाँ पर जो H प्लस है ना भाई इसी की वजह से यहाँ पर एसिडिक प्रॉपर्टी है, H प्लस जहां पर भी प्रोड्यूस हो जिस भी केमिकल में प्रोड्यूस हो एक्वस सॉल्यूशन में वो हो जाएगा एसिड, वो केमिकल हो जाएगा एसिड। जैसे नेक्स्ट H2SO4 अगर उसको हम पानी में डालते हैं तो वो H प्लस एंड SO4 टू माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, वो क्या फॉर्म करेगा H प्लस AQ एंड SO4 टू माइनस आयन्स, ठीक है। तो यहां पर भी क्या फॉर्म हो रहा है, H प्लस आयन में डिसोसिएट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया हर वो केमिकल जो H प्लस आयन में डिसोसिएट हो वो एसिड है। तो ग्रेट, यहां पर हमारा एसिड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता है भाई। एसिड बेस एंड सॉल्ट बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अगर आप चैप्टर को डिवाइड करो, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है, एसिड्स के बारे में पढ़ना है, देन बेसिस के बारे में पढ़ना है, देन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। अब एसिड और बेस में क्या पढ़ना है, एसिड का कॉन्सेप्ट, एसिड क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दो चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है। प्रॉपर्टीज में वो सारे रिएक्शन वगैरह वगैरह जो भी है वो सब आ जाएगा, और एसिड क्या होते हैं उसमें ये आ गया कॉन्सेप्ट कि एसिड हर वो चीज जो डिसोसिएट हो जाए हाइड्रोजन आयन्स में, ठीक है। हाँ, तो एसिड को हम कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन डोनर किस सेंस में भाई, क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं, वो कभी मूव नहीं करते ना। प्रोटॉन डोनर किस सेंस में, प्रोटॉन डोनर इस सेंस में कि एच प्लस है। एच प्लस कैसे फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन का एटम है उसमें एक एटॉमिक नंबर क्या उसका एक, इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसने जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उसने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी जो नेगेटिव था चार्ज वो चला गया, नेगेटिव हट गया तो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, तो H प्लस। अब वहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ओनली बचा प्रोटॉन, इसीलिए एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है, क्योंकि वहां से H प्लस निकल गया, H प्लस वो प्रोटॉन डोनर होता है, ठीक है। एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। मतलब एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। अब जैसे अगर आप बोलोगे भाई अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि वाटर है, वाटर में दोनों आयन्स होते हैं, एच प्लस आयन्स भी होता है, OH माइनस आयन्स भी होते हैं, ठीक है। तो हर वो सोल्यूशन जिसमें एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो वो एसिडिक सोल्यूशन, ओके। हर वो सॉल्यूशन जिसमें H प्लस आयन्स या फिर बोले हाइड्रोनियम आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो पर यूनिट वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना क्या भाई, वहां पर आयन्स दूसरे के कंपैरिजन में वो ज्यादा हैं आयन्स, ठीक है, भर भर के रखे हुए, ठीक है। तो वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना तो ये हो जाएगा एसिड्स। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि हर वो केमिकल जो हाइड्रोजन कंटेन करता हो वो एसिड, क्या मैं सही कह रहा हूं, नहीं भाई, हर वो केमिकल जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं C6H12O6 ग्लूकोज, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो क्या ये एसिड है, नहीं ये एसिड नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है एसिड, इसीलिए नहीं है, मैंने आपको बताया था हर वो केमिकल जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन्स प्रोड्यूस करे या फिर हाइड्रोनियम आयन्स प्रोड्यूस करे, क्योंकि अगर H प्लस करेगा तो हाइड्रोनियम आयन वो कंबाइन वाटर के साथ कंबाइन होगा, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो C6H12O6 आयोनाइज नहीं होता है H प्लस देने के लिए, ठीक है, H प्लस आयन ये प्रोड्यूस नहीं करता है C6H12O6, ठीक है। बट
अगर आप कोई भी एसिड लेते हो जैसे कि सॉरी HCl, तो H प्लस आयन में वो डिसोसिएट हो जाएगा भाई, आयोनाइज हो जाएगा, H प्लस आयन वो प्रोड्यूस करेगा और इसी वजह से वो एसिड है। ठीक है, तो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हर वो केमिकल जो कि आयोनाइज होता है और H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है वो है एसिड, ना कि हर केमिकल, हर वो केमिकल जो हाइड्रोजन कंटेन करता है वो है एसिड। समझ रहे हो बात? यानी कि कोई, अगर आपने मान लो, देखो सीधी सी भाषा में समझो कि अगर आपने कोई भी एसिड, कोई भी केमिकल लिया, ठीक है, उसको पानी में मिला दिया, ठीक है, अगर आप, अगर वहां पर वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा तो वो जाएगा एसिड, और वो नहीं करेगा तो वो नहीं है एसिड। समझ रहे हो? तो ये है एसिड। ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। तो भाई जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, जब मैं आपको एसिड बता रहा था कि एसिड बिना वाटर के प्रेजेंस में अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, बिना वाटर के प्रेजेंस में वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। ऐसा क्यों बोला भाई मैंने? देखो भाई, एसिड की डेफिनेशन से ही पता चल रहा है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि एसिड हर वो केमिकल होता है जो कि आयोनाइज होगा एक्वस सॉल्यूशन। अब जब पानी ही नहीं है तो एक्वस सॉल्यूशन कहां से फॉर्म होगा? और पानी नहीं है तो वो आयोनाइज भी नहीं होगा, है ना। तो एसिड कभी भी एब्सेंस ऑफ वाटर में अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, क्योंकि जब तक H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे तब तक एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी। ठीक है, तब तक वो केमिकल अपनी प्रॉपर्टी एसिड की तरह नहीं दिखाएगा, वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। लेकिन प्रेजेंस ऑफ वाटर में ऐसा होगा। देखो इसका एग्जांपल, अगर आप ड्राई HCl गैस लेते हो, ठीक है, अब आप ले लो ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, ड्राई HCl गैस ले लो, ब्लू लिटमस पेपर ले लो, क्योंकि भाई अगर कोई भी एसिड है, मैंने आपको इंडिकेटर की वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर ले लिया और ड्राई HCl गैस ले लिया, अब उसको पास करा दो ब्लू लिटमस पेपर से, आपको कोई भी कलर चेंज नहीं दिखेगा। बट अगर आपने इस लिटमस पेपर को वेट कर दिया, वेट कर दिया यानी कि गीला कर दिया, पानी आ गया, ठीक है, तो ड्राई HCl गैस जब पास करोगे ना, तो वो वहां पर जाकर उसको पानी मिला, पानी मिलेगा तो वो आयोनाइज होगी, आयोनाइज होकर H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगी, H प्लस प्रोड्यूस करेगी तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा तो वो उसका एसिडिक प्रॉपर्टी शो होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करेगी, और तभी वहां पर आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में कलर चेंज होगा जब लिटमस पेपर वेट है, लेकिन जब लिटमस पेपर वेट नहीं है, उसमें पानी ही नहीं है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो होगी, यानी कि कलर चेंज नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स की सारी के सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं और एसिड को कंक्लूड भी कर लेते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट, यानी कि वो खट्टा टेस्ट करती हैं। यार नींबू लो और नींबू को चख के देखो, एक तो बहुत ही ज्यादा खट्टा लगेगा। ठीक है, तो हर एसिड खट्टी होती है। अब यार ऐसा नहीं है कि आप H2SO4 को भाई लैब में जाओ एसिड टेस्ट, मतलब टेस्ट करना है कि कोई केमिकल एसिड है, आप टेस्ट करने बैठ गए भाई। ठीक है, क्योंकि H2SO4 बहुत ही ज्यादा कोरोजिव होती है। ठीक है, एसिड्स आर कोरोजिव, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, और खास करके जो मिनरल एसिड होती है ना भाई, वो और ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, तो टेस्ट नहीं करना है, ठीक है, टेस्ट करना है तो इंडिकेटर्स से करो। ओके, तो लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं या फिर आप वीक एसिड्स, उनको आप टेस्ट करके आराम से पता लगा सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसिड की, उनका टेस्ट जो होता है भाई वो खट्टा होता है। ओके, अमेजिंग, आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देती है, यह हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। ठीक है,
कोई भी एसिड लो, ब्लू लिटमस पेपर में डालोगे तो रेड लिटमस पेपर, मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में, ग्रेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ये हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं भाई, अभी जस्ट जब हमने चेक किया था कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड, है ना, जब हमने चेक किया होता कि H2SO4 इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था, बल्ब जल रहा था, ठीक है, तो एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर हम लें तो एसिड ले लेते हैं HCl, मेटल ले लेते हैं Na, तो Na जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा Na plus HCl, तो NaCl सॉल्ट फॉर्म होगी और H2 गैस फॉर्म होगी, H2 गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो Na plus HCl इज गिविंग NaCl plus H2O, ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म होगी, ठीक है, तो HCl Na, तो NaCl इज फॉर्मिंग ना। अब आप भाई बताओ इसमें एक टाइप का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर आपने नोटिस किया होगा पता नहीं मुझे, लेकिन चैप्टर वन में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कि Na plus HCl, NaCl फॉर्म हो रहा है, H2 फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जो Na है सोडियम है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन की जगह ले रहा है और सॉल्ट फॉर्म कर दे रहा है NaCl और हाइड्रोजन बेचारा बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है, यह सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यही कारण है कि हम कोई भी एसिडिक फूड है, ठीक है, कोई भी फूड है वो टाइप ऑफ काइंड ऑफ एसिड है, तो उसे हम किसी भी मेटल के मतलब बर्तन में नहीं रखते हैं, क्योंकि यार वो अगर हम उसे मेटल के बर्तन में रखते मान लो, ठीक है, तो मेटल के बर्तन में रख दिया, दोनों कंडीशन मिल रही है, मेटल के बर्तन में भी रख दिया और वहां पे एसिड फूड को, एसिडिक फूड को हम रख रहे हैं, यानी कि वो एसिड है एक टाइप का, ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल विल गिव करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी और वो खाना जो है भाई वो पॉइजनस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म हो जाएगी, वो सॉल्ट होगी पॉइजनस, ठीक है, तो वो खाना हार्मफुल होगा हमारे लिए, और इसीलिए हमें कोई भी एसिडिक फूड को, ठीक है, मेटल के बर्तन में नहीं रखना है, ठीक है, मेटल कॉपर जैसे हो गया तो इनमें नहीं रखना, ठीक, अमेजिंग। देखो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म करेगी, और कोई भी एसिड मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म। एग्जाम्पल ये होगा कि एसिड ले लेते हैं हम HCl, ठीक है, HCl लेके चलते हैं, HCl ले लिया और सोडियम का ही लेके चलेंगे, ठीक है, तो सोडियम का कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3, सो Na2CO3 प्लस HCl विल गिव CO2 प्लस H2O प्लस करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, तो वो NaCl ही, ओके। अब नेक्स्ट वाली, तो यहां पर एसिड इज HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, सो NaHCO3 प्लस HCl इज गिविंग CO2 प्लस H2O प्लस NaCl, सो प्रोडक्ट्स आर सेम, जस्ट वो हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट में अंतर हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट सेम फॉर्म हो रहा है। तो यार कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रिएक्शन दे देंगे आपको, मतलब रिएक्शन बेस्ड एग्जाम्पल, सॉरी क्वेश्चन, ओके, तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, फिर वहां पे आपको बताएंगे कि यार गैस फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो आप उस गैस का नाम बता दो और उस गैस को आप पहचानोगे कैसे, टेस्ट कैसे करोगे, ठीक है, तो जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर मान लो उस क्वेश्चन में इवॉल्व हो रही है तो आपको बताना है कि उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे। तो क्या है टेस्ट, सिंपल, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम जो लाइम वाटर है, ठीक है, उसमें अगर हम पास करते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें अगर हम पास करेंगे गैस को तो वो मिल्की में टर्न हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करती है, ठीक है, जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो यार कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगी और वही कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स
वाइट फॉर्म कर लेता है, ठीक है, वो मिल्की सा टर्न हो जाता है, और इसी वजह से वो होता है मिल्की टर्न, क्योंकि वहां पर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है किस चीज का, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। और अगर अगर यहां पर और भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देगा तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसका रिएक्शन ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो है ही है वहां पर, ठीक है, तो इन तीनों के रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, CaHCO3 होल ट्वाइस। तो अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की, वो ये है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता करता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। देखो एसिड, कोई भी एसिड ले लेते हैं, HCl, ओके, HCl एसिड, और बेस हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH इज अ बेस, ओके। तो अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे ना भाई, NaOH प्लस HCl, तो वहां पर NaCl फॉर्म हो जाएगा और H2O फॉर्म हो जाएगा। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। NaOH है, HCl NaCl में जा रहा है, ठीक है, NaCl फॉर्म कर रहा है, और वहां पर OH बचा, इधर H बचा, तो HOH फॉर्म कर रहे हैं H2O, ओके। So, ये है, और इस रिएक्शन को बोलेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये वाला जो रिएक्शन वो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्यों? क्योंकि भाई यहां पर एसिड है, बेस है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर एसिड है उसमें आप बेस मिला दोगे तो वो जो एसिड है ना उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, बेस उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर देगा। ग्रेट, अमेजिंग, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझाऊं कि HCl गैस है, क्या प्रोड्यूस करेगी, H प्लस Cl माइनस, अमेजिंग। अब NaOH है, Na प्लस OH माइनस, अमेजिंग। तो ये जो Na प्लस है वो Cl माइनस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन फेस करता है, ठीक है, ज्यादा अट्रैक्शन Na प्लस और Cl माइनस में, तो Na प्लस Cl माइनस कंबाइन होकर NaCl फॉर्म कर रहा है। अब जो H प्लस है और OH माइनस है, ठीक है, समझ रहे हो, H प्लस की वजह से HCl पे एसिडिक प्रॉपर्टी थी, OH माइनस की वजह से अब बेस में उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, या आप बेसिस वाली वीडियो में समझ जाओगे। तो H प्लस और OH माइनस जो है अभी वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे और वाटर फॉर्म कर देंगे। तो एक्चुअली में होता यही है कि जब एसिड में आप बेस ऐड कर दोगे ना, तो जब एसिड में आप बेस ऐड कर दोगे ना तो वहां पर वाटर फॉर्म हो जाता है, और इस वजह से दोनों का इफेक्ट होता है ना वो कैंसिल हो जाता है भैया, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं, और ऐसा रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वहां पर न्यूट्रलाइज हो रहे हैं वो दोनों, ओके, अमेजिंग। तो ऐसा ही एसिडिटी के केस में हम इसको रियल लाइफ मतलब रियल लाइफ में यूज करते हैं इस रिएक्शन को, कि अगर हमें कभी भी एसिडिटी हुई मतलब हमारे जो स्टमक है उसमें एसिड ज्यादा रिलीज हो रही है, एसिड का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, इस वजह से एसिडिटी हो रही है, ठीक है, इसी चीज को एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आपको एसिडिटी क्योर करना है तो आप भाई क्या करो, बेस यूज कर लो, बेस जैसे ही जाएगा, जैसे कि अगर मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा, तो अगर आपके घर पे बेकिंग सोडा है, आपको एसिडिटी हो रही है, तो आप बेकिंग सोडा ले लो, तो वहां पर क्या होगा ना, हमने रिएक्शन पढ़ा हुआ है, HCl गैस तो प्रोड्यूस हो ही रही है, NaHCO3 एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म का करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सॉल्ट, तो NaCl CO2 H2O। तो इसी वजह से जब आपको एसिडिटी होती है और आप उसे क्योर करने के लिए लेते हो ना कोई बेस ही लोगे, ठीक है, तो आपको वो जो बर्प आती है ना, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, ठीक है, उस रिएक्शन में, तो वो हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, ठीक है, तो वो बर्प हो गया, बर्प आई आपको, ठीक, ओके, और वाटर फॉर्म हो गया NaCl, तो ऐसे कैंसिल कर देते इफेक्ट आपकी एसिडिटी, मस्त, ओके, अमेजिंग। तो
ऐसे बेसिस, ठीक है, या फिर आप बोलें कि ऐसे केमिकल्स जो कि एसिडिटी को क्योर कर रहे हैं, वो हो जाएंगे एंट एसिड, एंट एसिड, एंटी एसिड बोल सकते हैं, एसिड के एंटी एसिड, ठीक है। तो एंटी एसिड यानी कि वो एसिडिटी को क्योर कर रहे हैं एंट एसिड, ठीक है। तो एंट एसिड को हम यूज करते हैं जब हमें एसिडिटी होती है। अमेजिंग। तो यहां पर हमारी 6 प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। हमने क्या क्या पढ़ा? एसिड आर सार इन टेस्ट, एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड रिएक्ट विद मेटल, देखो एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, वो भी मैंने आपको बता दिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सॉल्ट, एंड एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्ट एंड वाटर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्ट एंड वाटर, यस ओके। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ा हुआ होता वो है एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा। अमेजिंग। अब हमारी जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर कोई भी एसिड है और वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो वहां पर फॉर्म होगा, वहां पर क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl है, मेटल ऑक्साइड Na2O ले लेते हैं, तो NaCl और H2O फॉर्म होगा। अब देखो एसिड प्लस मेटल, ठीक है, तो यहां पर एसिड है HCl प्लस Na2O, ठीक है, गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, तो एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है वो एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है ना, क्योंकि एसिड और मेटल ऑक्साइड सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि यही प्रोडक्ट एसिड प्लस बेस वाले रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि अगर कोई भी मेटल की ऑक्साइड फॉर्म होगी ना तो वो बेसिक होगी, ठीक है, वो कैसी होगी? बेसिक, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, है ना, तो ये सारी बेसिक ऑक्साइड होती है। अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड होगी वो बेसिक होगी। समझ रहे हो? अमेजिंग। अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है एसिड आर करोजिव इन नेचर, यानी कि एसिड करोड करती है। अगर आप कोई भी एसिड लोगे, गलती से भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड की ड्रॉप, एक बूंद ही अगर आपकी स्किन पर पड़ जाएगी ना तो वहां पर वो जला देगी आपकी स्किन को, इतनी करोजिव होती है एसिड्स। समझ रहे हो ना? इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि कभी भी एसिड्स को, कोई भी केमिकल को, एसिड ही नहीं कोई भी केमिकल को टेस्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि आपको ज्यादातर केमिकल्स के, अगर मतलब कोई ऐसा केमिकल है जिसके बारे में आपको नहीं पता तो आपको टेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो एसिड आर करोजिव इन नेचर, आपके स्किन पर सीवियर बर्न्स कॉज कर सकती हैं एसिड्स। और ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड, भाई अब आप बोलोगे यार एसिड करोजिव है तो हम भाई अंगूर भी तो खा रहे हैं ना, है टमाटर भी तो खा रहे हैं, तो हमें कुछ हो क्यों नहीं रहा? भाई ऑर्गेनिक एसिड वो वीक एसिड है उसमें, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वीक है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो इतना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है, होता नहीं है उतना इफेक्ट, ठीक है। तो जो ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड जो कि नेचुरली अकरिंग है, नेचर से पाई गई है, वो एसिड इतनी ज्यादा करोजिव नहीं होती है। तो यार जो भी मिनरल एसिड होती है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा करोजिव होती है। मैंने आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वैसे और भी मिनरल एसिड, ड्रॉप भी पड़ गई ना भाई आपकी स्किन पे एक्सीडेंटली, गलती से स्किन जल जाएगी पूरी की पूरी, इतनी ज्यादा करोजिव होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। अब भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, दो टाइप की एसिड होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ओके, तो अभी हम वही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज एंड हो चुकी हैं, ठीक है, तो बस एसिड वाला पार्ट खत्म होने जा रहा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एसिड हर वो केमिकल जो हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करे एक्वा सोल्यूशन में, यानी कि वो डिसोसिएट हो जाए और हाइड्रोजन आयन्स या फिर हाइड्रोनियम आयन्स प्रोड्यूस करे। अमेजिंग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, हर वो एसिड जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस करे, किसका? लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस करें हाइड्रोजन आयन्स का, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि ऐसी एसिड जो पानी में जाकर हाइड्रोजन आयन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करे, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए पहली बात। और अगर कंप्लीटली आयोनाइज होगी तो वो ज्यादा अमाउंट, और सच में भाई वो ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करेगी ही, ठीक है? तो जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए एसिड और ज्यादा अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। वीक एसिड क्या होती है? वीक एसिड वो एसिड जो कि पार्शियली आयोनाइज होती है, यानी कि कंप्लीटली नहीं हो रही है, ठीक है? वहां पर कंप्लीटली हो रहा था, वहां पर कुछ नहीं बच रहा था और हाइड्रोजन आयन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन यहां पर भाई पार्शियली आयोनाइज होगी तो इसीलिए कम अमाउंट हाइड्रोजन आयन्स का प्रोड्यूस होगा, ठीक है? और इसी वजह से वो वीक एसिड हो गई, क्योंकि वहां पर कम प्रॉपर्टी आएगी, एसिड प्रॉपर्टीज होगी थोड़ी लो होगी, और जहां पर ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस होगा वहां पर ज्यादा होगी एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो इसी सेंस में ये एसिडिक, वीक एसिडिक और हाईली एसिडिक या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अमेजिंग। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके। क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड के बारे में समझना पड़ेगा। देखो, जैसे कि ये है जार, इसमें रखी हुई है एसिड और वो है कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो एसिड जिसमें हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। कैसे? अब देखो यार, समझ जाओगे अभी। जैसे कि ये है पानी, इसमें वाटर है, ठीक है? इसमें H2O है और इसमें मान लो हाइड्रोनियम आयन्स हैं टोटल 20, ठीक है? तो 20 आयन्स है इसमें हाइड्रोनियम, क्योंकि उसके प्रेजेंस से ही एसिडिक प्रॉपर्टीज हो करेगा ना, मान लो 20 आयन्स है। अब अगर इसमें से मैंने एक ड्रॉप ले ली और इस पानी में डाल दी इस एसिड की, तो यहां पर मान लो उस ड्रॉप में, तो इस ड्रॉप में मान लो 2 हाइड्रोनियम आयन्स आए, ठीक? ये ड्रॉप गई नीचे। अब इस पानी में 2 ही हाइड्रोनियम आयन्स होंगे, 2 ही हाइड्रोनियम आयन्स होंगे, तो यहां से मैंने ड्रॉप ले ली और ड्रॉप में 2 हाइड्रोनियम आयन्स थे, वो इसमें चलेगा। अब देखो यार, 20 में से 2 गया तो 18 बचे इधर। अब आप ये बता दो कि जार का वॉल्यूम सेम है, ठीक है? इतना ही वॉल्यूम इसमें है, इतना ही वॉल्यूम इसमें है। अब इसी इतने ही वॉल्यूम में, इतने ही स्पेस में, ठीक है, 18 हाइड्रोनियम आयन्स है और इतने ही स्पेस में 2 हाइड्रोनियम आयन्स है, तो यार आप ही बताओ कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड, ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोनियम आयन्स है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, वॉल्यूम में, किसी भी वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, यानी कि वो ज्यादा भरे पड़े हैं यार, ठीक है? तो वो हो जाएगा हाइड्रोनियम, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ये जिसमें हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, हाइड्रोनियम आयन ज्यादा हो, और यहां पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ओनली 2 ही है भाई, इसीलिए ये होगा डाइल्यूटेड। ये है डाइल्यूटेड, ठीक है? डाइल्यूशन की आपको स्क्रीन पर डेफिनेशन दिख रही होगी। देखो, डाइल्यूशन उस प्रोसेस को कहते हैं, जब हम किसी भी एसिड को पानी में मिलाते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, एसिड को हम पानी में मिला रहे, यानी कि हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम कर रहे हैं हम, ठीक है? जब वो एसिड एक जार में थी, जब उसमें पानी हमने नहीं मिलाया हुआ था, तो क्या था वहां पर, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था पर यूनिट वॉल्यूम। अब मान लो उसी वॉल्यूम की मैंने एक जार ले लिया, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें से मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डाल रहा हूं,
ठीक है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जब मैं डाल रहा हूं तो यहां पर क्या हो रहा है, उन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है ना पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलेंगे। और जहां पर यूनिट वॉल्यूम जो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, वो डाइल्यूटेड एसिड हो जाएगी। समझ रहे हो? ओके, अमेजिंग, ग्रेट। तो ये जो भाई ये प्रोसेस है ना, जब आप एसिड को पानी में मिलाओगे तो ये एक्सोथर्मिक है, यानी कि यहां पर हीट रिलीज होती है, और इसी वजह से आप एसिड को पानी में मिलाओगे ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टिरिंग करके, ना कि पानी को एसिड में मिलाओगे। समझ रहे हो? अगर आपने पानी को एसिड में मिलाया, यानी कि देखो देखो यार, अगर आपने एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में मिलाया तो वहां पर जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन वहां पर पानी का अमाउंट ज्यादा है, तो हीट क्या है, पानी अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, पढ़ा था लेटेंट हीट के बारे में 9th क्लास में, पानी अब्सॉर्ब कर रहा है उस हीट को, कुछ पानी थोड़ा सा वेपोराइज भी हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वहां पर क्या है, ज्यादा एक्सप्लोजन, मतलब ज्यादा हीट, वो ज्यादा हीट बचेगी नहीं, तो वहां पर कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस भी नहीं है। स्टरिंग करते रहोगे तो हीट वो बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, कुछ हीट पानी अब्सॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर आप पानी की ड्रॉप को और इतने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डालोगे तो भाई जो हीट इवॉल्व होगी, एक तो वो जितना पानी आपने डाला वो पूरा वेपोराइज हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो वहां पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी सब में, और इतनी हीट प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, वो इतनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है कि ये जो कंटेनर है वो फट जाए, वहां पर एक्सप्लोजन हो जाए। तो ये है कि अगर आप पानी को एसिड को पानी में डालोगे तो वहां पर हीट कुछ तो भाई वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा और कुछ एटमॉस्फेयर में हो जाएगी, लेकिन जब आप यहाँ पर मान लो एक ड्रॉप डाल रहे हो तो यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो वो जो एक ड्रॉप है वो इवेपोरेट हो जाएगा, वहां पर अब्सॉर्ब करने के लिए कुछ भी नहीं है हीट को, तो हीट की वजह से एक्सप्लोजन हो जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा एसिड को पानी में डाला जाता है, ना कि पानी को एसिड में। तो अब अगली वीडियो में हम बेसिस को कवर कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, अमेजिंग, ग्रेट, गुड बाय।